हेलो दोस्तों, नमः शिवाय। दोस्तों, शनि जयंती आने वाली है। 2024 में शनि जयंती जो है वो पड़ रही 6 जून गुरुवार को। सब प्रथम तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। दोस्तों, शनि जयंती जो है शनि उत्सव के रूप में मनाई जाती है। इस दिन अगर आप शनि भगवान की आराधना के साथ साथ, यानी शनि भगवान की पूजा करने के साथ साथ अगर आप कुछ चीज़ों का दान करते हैं तो जीवन की समस्त पीड़ाएं शनि से संबंधित वो दूर होती हैं। जैसे आप चाय की पत्ती दान कर सकते हैं, काले तिल दान कर सकते हैं, उड़द की दाल साबुत दान कर सकते हैं, खिचड़ी दान कर सकते हैं, काले रंग के कपड़े दान कर सकते हैं, जूता है, छाता है, कोयला है, चप्पल है, इसको दान कर सकते हैं। और आपको शनि मंत्र पढ़ना चाहिए, ओम सन शनिचराय नमः। नीले पुष्प भगवान को अर्पण कर सकते हैं। इसके अलावा आप दशरथ कृत शनि स्रोत का पाठ कर सकते हैं। आप इस दिन जो है कोए को जो है इमरती या जलेबी खिला सकते हैं, या घर से रोटी बना कर ले जाएं मीठी, वो खिला सकते हैं। कुत्ते की सेवा करें इस दिन, आप कुत्ते को मीठी रोटी खिलाएं, कुत्ते को बिस्कुट खिला सकते हैं। पक्षियों की सेवा करें, कोई आसपास तालाब हो वहाँ पर उड़द की दाल के छोटे छोटे पकोड़े या आटे की लोइयाँ बना कर ले जाएं, वो मछलियों को खिला सकते हैं। इससे भी शनि भगवान की कृपा आपके ऊपर बरसेगी। काली चींटियों को कुछ खिला सकते हैं, भुना हुआ आटा ले उसमें चीनी मिला दें, जहाँ पर काली चींटियों के बिल हो वहाँ पर डालें आप, और काले रंग की चिड़िया खरीद कर आप जो है खुले आसमान में छोड़ दें। इससे भी शनि भगवान की कृपा आपके ऊपर बरसेगी। लोहे का त्रिशूल लें, वो पहले ले आएँ, शनिवार के दिन नहीं लेना है, यानी शनि जयंती के दिन भी आप ना लें, पहले से ले आएँ लोहे का त्रिशूल। जो महाकाल शिव का कोई मंदिर हो वहाँ पर आप चढ़ा सकते हैं भगवान को, भैरव जी पर चढ़ा सकते हैं, महाकाली पर चढ़ा सकते हैं। अगर ये मंदिर आपको नहीं मिल रहा है तो आप शनि भगवान पर भी आप चढ़ा सकते हैं, जहाँ पर जो है आप भगवान को तेल चढ़ाते हैं उनके चरणों में। अपनी छाया का दान कर सकते हैं, एक पात्र में आप तेल भरें, अपनी शक्ल देखें, उसमें 1 रुपये का सिक्का डालें और आप दान कर दें। और शादी से संबंधित कोई दिक्कतें आ रही हैं शनि दोष के कारण, तो आप 250 ग्राम काली राई लें, काली राई ले लें 250 ग्राम, अपने ऊपर से सर पे से उतारें और पीपल की जड़ों पर आप जाकर चढ़ा दें प्रार्थना करते हुए। और पुराना जूता है ना, आप पहन के मंदिर जाएं और शनि मंदिर में ही आप छोड़ जाएं, इससे भी शनि कृपा आपको प्राप्त होगी। लेकिन जब जूता छोड़ रहे हैं तो प्रार्थना करें कि हे शनि भगवान, मैं अपना दुर्भाग्य आपके चरणों में अर्पण कर रहा हूं और आप मेरा दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल दें, ये दुर्भाग्य मेरा पीछा ना करें, और सीधे सीधे आप घर पर आ जाएं और अपने डेली के काम करते हैं वो करें। 10 बादाम लेकर हनुमान मंदिर जाएं, वहाँ पर 5 बादाम छोड़ दें, 5 बादाम घर पर लाकर लाल पोटली में बांध कर रखें, इससे भी धन लाभ के योग बनेंगे। और इस दिन जो है बंदरों को चना और गुड़ खिला सकते हैं। दोस्तों, ये चीज़ें हैं अगर आप करते हैं शनि जयंती वाले दिन तो भगवान की कृपा आपके ऊपर बरसेगी। इसके अलावा जो है आप काले चने भिगो दें, काले तिल लें, गुड़ लें, और जाकर आप जो है कोई तपेला हो ना घोड़ों का तपेला, वहाँ पर आप काले घोड़ों को जाकर सुबह खिला दें जिस दिन शनि जयंती हो। अपने हाथ के 29 लंबा काले रंग का धागा लें, अपने गले में धारण करें लपेट कर, काली गाय की सेवा करें, काली गाय को सिंदूर लगाएं, मोली बांधें और मोतीचूर के लड्डू खिलाएं 8। इसके अलावा आप उनको जो है 8 रोटी भी खिला सकते हैं काली गाय को, अपनी मनोकामना बोलें, इससे भी शनि भगवान की कृपा आपके ऊपर बरसेगी। दोस्तों, सूर्यदेव जो हैं शनि भगवान के मतलब पिता हैं, और पिता और पुत्र में थोड़ी सी आपस में टकराव रहता है। और सूर्यदेव की पत्नी जो थी राजा दक्ष की बेटी संध्या थी, संध्या में तपोबल बहुत ज़्यादा था, लेकिन सूर्यदेव की गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। उसने समय समय पर अपने पिता से कहा, पिता ने कुछ भी बात नहीं मानी। उसने बार बार कहा कि इनकी जो है तेज बहुत ज़्यादा है, जो मेरे को लगता है। तो छाया ने अपनी बुद्धि लगाई, उसने अपनी ही मतलब जो संध्या थी ना संध्या ने अपनी बुद्धि लगाकर एक छाया रूपी सब बड़ा अपनी जैसी शक्ल तैयार कर दी, जिसका नाम रखा उसने सब बड़ा। और वो ज्योति सूर्यदेव के साथ रहने लगी। सूर्यदेव और छाया का एक पुत्र हुआ जिसका नाम शनि रखा। शनि भगवान काले थे, शाम बढ़ के थे, तो सूर्यदेव को शक हुआ। सूर्यदेव ने कहा, ये मेरी पत्नी नहीं हो सकती, मैं तो गोरा हूँ, मेरी पत्नी गोरी है, तो ये मतलब पुत्र कैसे काला हुआ। तो शनि भगवान ने उनकी तरफ देखा तो सूर्यदेव काले पड़ गए, सारे मतलब संसार में अंधेरा छा गया। तो सूर्यदेव घबराए कि सृष्टि रुक जाएगी, अंधेरा हो जाएगा। तो वो शिव के पास पहुँचे। भगवान शिव बोले कि अब जो है संसार को बचाने के लिए तुमको एक काम करना होगा, तुमको जो है छाया से माफ़ी मांगनी पड़ेगी कि मैंने तुम पर गलत शक किया, ये मेरा ही पुत्र है। तब छाया से उन्होंने माफ़ी मांगी, तब शनि भगवान ने वापस उनकी तरफ देखा, तब सूर्यदेव में उजाला छा गया। इस तरह कहा जाता है कि इनकी एक कहानी भी है जिससे पता लगता है कि सूर्यदेव की संतान जो थे शनि भगवान थे। तो दोस्तों, ये काम अगर आप करते हैं, ये कथा सुनते हैं, तो इसका भी प्रभाव शनि जयंती पर आपको मिलता है। और शनि जयंती पर आप अच्छे काम करें, जितने अच्छे काम कर सकते हैं, पेड़ पौधे लगाएं, जहाँ तक हो शमी का पेड़ लगाएं, मैदान में खुले इलाकों में पीपल का पेड़ लगा सकते हैं। और जैसे कि मैंने बताया आपको, गरीबों को आप कोको कोला की बोतल दे सकते हैं दान, चाय बनाकर ले जाएं, सबको एक एक कप चाय दें, कचौड़ी दे दें, इससे भी शनि भगवान का आशीर्वाद आपको मिलेगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो मैं ही समाप्त करती। पसंद आए तो लाइक करें, दूसरों को शेयर करें और कमेंट्स में नमः शिवाय जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।